पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं। मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए।